सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइज, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क सुप्रीम का। सो गाइज, आर्क सुप्रीम के पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा होगा कि हमने जो है ना गाइज यहाँ पे कुछ खतरनाक से डायनोस को टेम करा था। हमने पिछले एपिसोड में हाथ में गन पकड़े हुए जो गाइज पेंगविन्स होते उनको टेम करने का काम जो है ना गाइज वो करा था। और अभी आज का जो ये एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में मैं एक खतरनाक सा रोबो गाइज बनाने वाला हूँ। अभी वो रोबो जो है ना गाइज वो क्या है, कैसा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पर, फटाक से गाइज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद्यानी के चैनल का, उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना गाइज। और यहाँ पे हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मेरे भाई लोग, करते आज के इस वाले एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के और मचा डालते एकदम फुल टू दबाना मेरे भाई। वैसे गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमने जो पेंगविन टेम करे थे, जो हमारे बाहर रखे हुए ज़ोंबी टाइटन बीटन थे ना, उन सारे डायनोस को मैंने क्रायो करके यहाँ पे अंदर रख दिया है। क्योंकि आपको बताइए गाइज कि वो टाइटन को मारने के लिए बार बार कुछ रैप्टर विप्टर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो भाई उसको अंदर ही रख देता हूँ, अंदर ही वो थोड़ा सा सेफ रहेगा। और आज मैं जो है ना गाइज यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक रोबो जो कि ये 314 लेवल का, ये रोबो देख रहे हो, इस पुगनेशियन वाले मेक है भाई, एक मेक है पुगनेशिया वाला मेक है। और इसको बनाने के लिए हमको कुछ शार्ड बीड की जरूरत है, तो अपन ना फटाक से यहाँ पे कुछ शार्ड का जुगाड़ कर दे। और शार्ड के अलावा मेरे को और क्या क्या चाहिए जरा मेरे को एक बार देखने दो भाई, ठीक है। नॉट इनफ इन्वेंट्री स्पेस और वेट, वाह बेटे वाह, मतलब ये सारा सामान जो है ना गाइज वो खींचने के लिए इनफ वेट नहीं है बोल रहा है मेरे पास। हाँ भाई अभी बता क्या है, एलिमेंट शार्ड क्रिस्टल एंड ऑयल चाहिए, ठीक है। तो अभी क्रिस्टल एंड ऑयल में लेके आता हूँ और एलिमेंट शार्ड जो ना गाइज मेरे को बनाने के लिए डालने पड़ेंगे। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके तो 10,000 शार्ड मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए ना गाइज। टर्न ऑन एंड शार्ड, शार्ड कितने बनेंगे, 200, 400 बाय 1,000। हाँ भाई एक मिनट रुक जाओ, 300 और एलिमेंट दे दो मेरे को, मेरे पास काफ़ी सारे एलिमेंट होंगे। यस गाइज 500 और दे दो, चलो 500 मोर एलिमेंट में ले लेता हूँ एंड यहाँ पे इसके शार्ड बनाने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। चलो तो गाइज शार्ड बन रहे हैं और अभी मेरे को जो ना गाइज क्रिस्टल लेके आना है और ऑयल लेके आना है। आपको बताया होगा कि ऑयल के पंप जो है ना गाइज वो हमने कल वाला जो लास्ट एपिसोड था उसमें जो है ना गाइज वो लगा रखे, खाली मेरे को वहाँ पे जाके जो है ना उसके अंदर से ऑयल उठा के लेके आना है। एंड गाइज उस ऑयल से हम बनाने वाले अपना खतरनाक सा रोबो मेग गाइज। ओहो मजा आएगा ना वीडियो, चलो आ जाओ। अबे कोने भाई, अबे वाह, यहाँ तो फुल बूमबाम ही चल रहा है ना मेरे भाई, भाई यहाँ पे तो फुल बूमबाम चल रहा है भाई। वाटर बीटर वाइब्रेंट भाई, हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर, रुको गाइज सारे डायनोस को जो है अबे हे कहाँ पे ये टुंगडुंग टुंगडुंग वाला, ये रहा, चलो मर गया भाई, मर गया। पिंगविन भी मर गया भाई, प्राइमल वाला पिंगविन था भाई, गोलियां बिलिया मार रहा था, बताओ गाइस गोलियां सोलियां मार रहा था, ठीक है। चलो अभी जो ना गाइस हम लोग यहाँ पे उधर के देख लेते कि टोटल हमको कितना ऑयल मिला है यहाँ पे, 100 ऑयल। अभी तुम मजाक कर रहे हो क्या, इतना ज़्यादा टाइम हमने मेहनत करा और तुम बोल रहे हो कि मेरे को खाली 100 ऑयल मिलेगा इस मेहनत में, मेहनत का नतीजा बस खाली 100 ऑयल है, मजाक कर रहे हो क्या। यहाँ पे ऐसा खड़ा होना पड़ता है क्या भाई, 100 ऑयल मिला है, इस जगह तो यहाँ का तोड़ दो भाई 400। भाई मेरे को नहीं लग रहा कि गाइस हमारे पास जो है ना गाइस इनफ ऑयल हो पाएगा गाइस, ठीक है। शायद से ऑयल की कमी जो है ना गाइस हमको पड़ने वाली है, क्योंकि ऑयल जो है ना गाइस यहाँ पे ही नहीं ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हो ऑयल जो है ना काफ़ी कम मात्रा में मिल रहा है मेरे को यहाँ पे भाई, काफ़ी कम मात्रा में। ले भाई पेल डाला भाई, माना को पेल दिया मेरे ग्रिफिन ने, ग्रिफिन सर अरे रुको रुको, अरे ग्रिफिन रुक जा भाई, अरे बस कर भाई रुक जा। ओके ये वाला वो ग्रिफिन है जो मेरे को चलाना है, मेरा वाला ग्रिफिन शायद से जो ना गाइस मैं घर पे रख के आ गया, तभी बोलो मेरे वाले ग्रिफिन का अचानक से डैमेज इतना कम कैसे हो गया। रुको गाइस मेरे को घर पे जाना पड़ेगा,
और ना पहले तो मैं यहाँ से जो है ना गाइस रुक जाओ, मैं यहाँ पे जो है ना गाइस फटाक से जितना भी मैं यहाँ से ऑयल निकाल सकता हूँ ना उतना ऑयल निकाल लेता हूँ। बाकी ऑयल की और कहाँ पे मेरे को भाई खान मिलेगी एकदम, जहाँ पे भर भर के ऑयल मिलेगा मेरे को। एक दो जगह तो पता है बट वो थोड़ी सी दूर है भाई। इसके अंदर भी कितना ही है, 113। मुझे लग रहा है कोई तो ऑयल लेने आया था और सारा ऑयल ढाप के जो है ना गाइस जा चुका है, ऐसा मेरे को शक हो रहा है भाई। 40,000 ऑयल जो है ना गाइस वो आज मेरे हिसाब से तो बन नहीं पाएगा गाइस, जैसे तो मतलब मिल नहीं पाएगा। कितना होगा मैक्स टू मैक्स हमारे पास अभी फिलहाल के लिए ऑयल? 800। ये ले 4800। ओके ये लो गाइस, कितना मिल रहा है रुक जाओ मैं देख लेता हूँ टोटल ऑयल कितना गाइस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है गाइस। ठीक है रुक जाओ, टोटल ऑयल कितना निकाला एक बार देखने दो। इसको हार्वेस्ट कर ले, इससे ऑयल तो नहीं मिला। ऑयल टोटल मिला है मेरे को भाई 6,000 ऑयल मिला है, खाली 6,000 ऑयल। मजाक कर रहे हो गाइस, 6,000 से तो कुछ नहीं होने वाला, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऑयल चाहिए यार, बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए। और मैं देखता हूँ कि इसके आगे साइड कहीं पे जो ना गाइस मेरे को ऑयल मिल रहा है कि नहीं। कम से कम मेरे को भाई 40,000 कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 44,000 मेरे को भाई ऑयल चाहिए, उसके बिना गाइस बन नहीं पाएगा। यहाँ पे क्रिस्टल विस्टल तो हमको मिल जाएंगे यार कहीं ना कहीं से, क्रिस्टल का सीन नहीं है, मेरे को ऑयल चाहिए होगा यार यहाँ पे। रुको मैं देखता हूँ कि ऑयल की खान जो है ना गाइस कहीं और है कि नहीं। इस वाले एरिया में जो है ना गाइस ऑयल तो है इतना मेरे को पता है, बट वो जो ना गाइस जगह ढूंढनी पड़ेगी। आइस वाले बायोम में हमको काफ़ी ज़्यादा ऑयल मिलता है बट वो जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पर मिलेगा हमको बहुत सारा ऑयल। ठीक है रुको, A few moments later. यहाँ पे गाइस थोड़ा और ऑयल तो मेरे को दिखाई दे रहा है, चलो ये ऑयल निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है वेट अ मिनट, यहाँ पे जितना भी ऑयल दिखाई दे रहा है ना वो सारा निकाल लेता हूँ। मे बी गाइस 40,000 ऑयल शायद से हमारे पास हो जाए, एग्जैक्टली बोल नहीं सकता होगा कि नहीं बट देखते चलो। 200 हो नाइस गाइस, ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना ऑयल के भाई मेरे को काफी ज्यादा ऑयल दे रहे हैं, इसे तो हमारा गोल गाइस कंप्लीट हो जाएगा। 40,000 ऑयल का निकल बेस, क्या माना दौड़े दौड़े आ रहे भाई, दौड़े आ रहे भाई उतने दूर से भाई दौड़े आ गए गाइस मेरे पास। ठीक है चलो गाइस ये लो भाई 4,000 और ऑयल मिल गया गाइस, यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा मिल रहा है यार भाई। ये असली लोकेशन है ऑयल की भाई, जब भी ऑयल चाहिए होगा भाई यहाँ पे आ जाना। मैं यहाँ पे एक और भाई टीपी लगा देता हूँ ऑयल 2 करके गाइस। ठीक है वेट अ मिनट, मैं थोड़ा अंदर लगाऊंगा ताकि ऑयल जो है ना गाइस जो यहाँ पे स्पॉन होता रहे, और ना नज़दीक लगाते हैं ना तो ऑयल। अबे अंदर भी ऑयल है बाबा, डिओडॉन का बच्चा भाई, डिओडॉन का बच्चा मेरा फाड़ देगा गज्जा। रुक जा भाई मार पहले मार, 12,000 का फटका दे उसको। हाँ भाई हाँ वेल डन, हाँ वेरी वेरी गुड। अरे रुकना भाई, हाँ मार मार मार, अरे यार अबे बेजगी डेड है भाई। रुक जाओ भाई, कुछ ज़्यादा ही चूल मच रही है ना इनको। अबे रुक जा, अरे 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 रिंगा रोजेस कर रहा मेरे साथ है, रिंगा रोजेस कर रहा है, भग जा चल। अरे भग क्यों नहीं रहा, निकल रुक जाओ इसकी चुल मिटाता मेरे को, निकल भेज के यार भाई। लाड़ में मारने के लिए आ रहे भाई, लाड़ में मार रहे चलो। अबे भाई इसको तो फुल बर्फ कर दिया यार, अबे अटैक विटैक नहीं कर सकता क्या? अटक गया लग रहा है पूरी तरह से। हाँ कर पा रहा है चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ऑयल करके गए। ठीक है वेट अ मिनट, ऑयल 2.0 ऑलराइट। ठीक है चलो अभी यहाँ से जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा ऑयल में निकाल लेता हूँ भाई। रुको ये ले बेटा, निकल बेच के आप। चलो गाइस सो अभी यहाँ पे जो ना गाइस ऑयल निकाल के अपन घर पे चलेंगे। क्रिस्टल चाहिए होंगे ना थोड़े से, क्रिस्टल का भी जुगाड़ कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। 50,000 टोटल ऑयल जो है ना गाइस वो मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। ठीक है चलो गाइस मेरे को हार्वेस्ट करने दो एकदम मस्त बेकी ऑयल भाई। कितना हज़ार मिल गया मेरे को ऑयल, वैसे ऑयल कितना मिला है? ऑयल 10,000, 20,000, 25,000 हो चुका है, 25,000 और 25,000 और भाई बड़े आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, कोई सीन नहीं है आराम से 25,000 मिल जाएगा। हेलो गाइस यहीं पे भाई डायरेक्टली 5,000 हो जाएगा, देखना अभी देखो हो गया भाई 4,000 और ये ले 5,000 भाई, हो गया 5,000 ऑयल भाई यहाँ पे। डिओडॉन के बच्चे गाइस वापस से पीछे पड़ चुके हैं। अबे यार मेरा वेट साथ नहीं दे रहा है। रुको ग्रिफिन को लेके चलता हूँ ताकि डिओडॉन अगर पीछे पड़ जाते ना तो ग्रिफिन अपन को बचा सके। स्टोन यहाँ डाल दें एंड ऑयल, इतना ज़्यादा ऑयल उठा लिया है ना ओवरवेट हो चुका पूरा का पूरा। रुको चेपने दो इसको चेपने दो। हाँ भाई
ठीक है चलो भाई, यहाँ पे तो ऑयल की बहुत ज्यादा मशीनें लगा सकता हूँ मैं, बट सीन ये हो जाएगा गाइस कि यहाँ पे मशीनें लगाने से कि मतलब उतनी मशीनों में जो ना गाइस उतना ऑयल नहीं आता है, 100-200 ऑयल आता है, ये मैंने चीज़ नोटिस करी है गाइस। कितने भी मशीनें लगा लो उतना ज़्यादा ऑयल जो ना गाइस वो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं मशीनें नहीं लगाऊंगा, अपन अपने हाथ से खुद ही तोड़ डालेंगे भाई जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ऑयल। देखते गाइस अभी कितना और मिला, शायद 50,000 तो हो जाना चाहिए। मैंने थोड़ा सा और ऑयल गाइस अभी इकट्ठा करा है पे भाई, 10-15,000 और कर दिया मैंने शायद से, 10-20-30-40-50 होने वाला है भाई, 50,000 ऑलमोस्ट होने वाला है। चलो 50,000 ऑयल करके जाता हूँ, ठीक है। अरे भाई साहब, भाई वाइब्रेंट भी कुछ ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ पे घूम रहे हैं गाइज, वाटर वाले वाइब्रेंट देखिए गाइज कितने सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। सही है चलो मैं यहाँ से जो ना गाइज सारा ऑयल निकाल लेता हूँ भाई, ये लो भाई, भाई दबा के 10,000 ऑयल तो ए पे मिल गया, इजी पीजी गाइज। चलो लेट्स गो, अभी जाके जो ना गाइज हम लोग आराम से हमारा जो मेक है ना गाइज उसको बना पाएंगे, खाली थोड़ी सी क्रिस्टल की और ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। चलो इतने से काम बन जाएगा शायद से, ट्रोनी ड्रैगन मारना दे भाई, ठीक है चलो लेट्स गो। क्रिस्टल जो ना गाइस मेरे को बताया गाइस कहाँ पे मिलेगा, घर पे चलता हूँ ऑयल रखता हूँ, एंड ऑयल रखने के बाद देखते हैं कि अभी और क्या क्या चीज़ों की हमको भाई कमी पड़ रही है, और वो सारी चीज़ें एक एक करके लेके आएंगे, और अपना जो पुग्नेशियन मेक है वो हम फटाक से यहाँ पे बना लेंगे गाइस, ठीक है चलो लेट्स गो। ओके टीपी मार दिया हमने, रुक जा भाई, ओके यहाँ पे इसलिए रोका था कि मैं ऑयल ट्रांसफर कर सकूँ यहाँ पे अंदर, ठीक है। ऑयल ना क्योंकि ओवरवेट कर देगा ना मेरे को पूरा का पूरा ऑयल, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में रुक गया, एंड ये वाला तो फूल है, ये वाला खाली है, इसके अंदर ऑयल बिल जो है ना गाइस जो सारा ट्रांसफर कर लेता हूँ, और मेरा मैक्स लेवल का जो ग्रिफिन है ना गाइस जो चमकने वाला ग्रिफिन उसको बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने गलती से गलत ग्रिफिन को बाहर निकाल दिया है, और वो चमकने वाले ग्रिफिन को अंदर डाल दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे डाल, ये यहाँ पे डाल, ओके एंड वेयर इज माई ग्रिफिन भाई, हाँ ये वाला ग्रिफिन चाहिए मेरे को, आया कैप्टन, एंड ये वाला वो वाला ग्रिफिन भाई, इसको भाई मेरे को क्रैव करके अंदर डालने दो, ठीक है। इसको क्रैव करेंगे अंदर डालेंगे, और ये वाले ग्रिफिन से हम जाके बहुत सारे जो ना क्रिस्टल लेके आते हैं, मेरे को देखने दो गाइस कि मेरे को क्रिस्टल कितने ज़्यादा चाहिए होंगे ये वाला मेक बनाने के लिए। एलिमेंट शार्ड और क्रिस्टल चाहिए, एलिमेंट शार्ड मेरे हिसाब से तो बन गया यार बहुत सारा, कितना बन गया शार्ड, 10-20-30-40, ये लो भाई, शार्ड की कमी नहीं है बाबा, शार्ड की कमी बिल्कुल भी नहीं है भाई, 60,000 शार्ड बन चुके हैं अभी, ये मत बोलना कि 6 लाख शार्ड चाहिए तुमको, ओके 60,000 शार्ड बन गए, हाँ शार्ड तो हो गया, अभी क्या चाहिए बताओ खाली गाइज, 6,600 खाली क्रिस्टल चाहिए, 6,600। पहले तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक क्रिस्टल तोड़ने से मेरे को कितने क्रिस्टल मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे भी क्रिस्टल होते हैं ना गाइज थोड़े से, ये तोड़ने से 500-1,500 ज़्यादा नहीं मिल रहा है गाइज, ज़्यादा नहीं मिल रहा भाई, 3,000 हो गए वैसे फिर भी, ओके ऑल राइट ठीक है ठीक है। इसको भी तोड़, मेटल को भी तोड़ दें, ठीक है गाइज, ज़्यादा नहीं चाहिए और थोड़े से और चाहिए, अबे बैठ जा भाई, हाँ चलो गाइज। अरे यार क्या हो गया, बफर ओवरफ्लो या कनेक्शन टाइम आउट, क्या हो गया रुक जाओ एक बार मेरे को देखने दो गाइज, कनेक्शन टाइम आउट हो गया शायद अपना भाई, ठीक है चलो मैं वापस से जो ना गाइज रिजॉइन मार, हाँ भाई कनेक्शन टाइम आउट, मैं रिजॉइन मारता हूँ रुको। A few moments later, I am back in the game. Let's go, guys. भाई थोड़े से और क्रिस्टल चाहिए, उन्हीं का जुगाड़ करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्रिस्टल जो ना कहो इजी पीजी मिल जाएंगे भाई। अरे यार इसको पैसिव नहीं रखा है क्या, रुक जाओ। अरे तो आजू बाजू का सारा एरिया क्लियर कर देते मेरे को, ये ना भाई। अरे भाई बेचे पैसिव रहने का, बेड़े पैसिव हाँ, किसी को मारने का नहीं, अरे बाबा ऐसा, हाँ ठीक है चलो लेट्स गो। क्रिस्टल चाहिए गाइस हमको भर के गाइस, ठीक है। अबे टूट क्यों नहीं रहा, शायद नहीं टूटेगा, अंबुजा सीमेंट से बनाया लग रहा है। चलो गाइस, अबे भाई वो भाई केकड़ा सिंह आ रहा दूर से भाई, दौड़ दौड़ के आ रहा केकड़ा दूर से दौड़ के मेरे को मारने के लिए भाई, रुक जाओ ये केकड़ा सिंह को भाई, रुक जाओ भगवान के गायब हो गया केकड़ा गाइस, केकड़ा सिंह गायब हो गया भाई, अभी तो यहीं पे था। चलो मेरे को 10,000 प्लस जो ना गाइस क्रिस्टल मिल चुके हैं, और अभी हम जाके जो ना गाइस आराम से यहाँ पे बना पाएंगे हमारा प्यारा प्यारा सा जो मेघ था ना गाइस वो वाला मेघ भाई, ठीक है। सो बैठ जा भाई पहले तो यहाँ पे,
ओके आ जाओ गाइस, अभी ना इतनी जो हमने मेहनत करी है वो रंग लाने वाली है, और 300 लेवल का एक रेड कलर का खूबसूरत सा मेघ तेरा भाई आज बनाने वाला है। रेडियो गाइज, रेडी हो? चलो गाइज, आ गया, बन गया गाइज, फाइनली गाइज, ये रहा 314 लेवल का वो खतरनाक सा मेघ। एंड अभी इस मेघ से हम लोग ना एकदम फुल्टू दबाई मचाएंगे। वैसे मेघ कितना पावरफुल है गाइज ये मेरे को पता तो नहीं है, बट पता चल जाएगा गाइज। ठीक है, बना ले। क्या हुआ? हेलो सर, हाँ भाई तभी बोलो, आ क्यों नहीं रहा? आ गया गाइज। ओ मागो तुरुलाब, फुल रेड रेड कलर ना मेरे भाई। रुक जाओ रुक जाओ, एलिमेंट इसके अंदर भाई एलिमेंट डालने पड़ेंगे। तो मैं जो ना गाइज लगभग 100 एलिमेंट मेरे पास पुल कर लेता हूँ, और ठीक है 100 एलिमेंट ऑल पुल कर लेता हूँ। और 100 एलिमेंट पुल ही नहीं हुए, क्या इसके अंदर पुल हुए? हाँ इसके अंदर। ओ भाई यार ये क्या है, मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें बना सकता हूँ इसकी? अब मेक की है क्या ये? MLR, BMLR था ये, पता नहीं फलाना ढिलाना के मेक के ऊपर ही लगेगी क्या चीज़ें? वैसे बनाने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए तो नहीं, बट हाँ क्या, अरे बाप रे ये तो भाई बूस्टर लग गया जिसकी पीठ पे, ये देखना विदाउट बूस्टर और ये विद बूस्टर, भाई बूस्टर बिस्टर लग गया। एक मिनट रुक जाइए, क्या चीज़ है ये? क्या कोई तो चीज़ कम पड़ रही है बनाने के लिए, कोई तो चीज़ कम पड़ रही है, ज़रा मेरे को एक बार देखने दो। एलिमेंट कम पड़ रहे हैं, कितना एलिमेंट चाहिए वैसे? 450 बेटा, ये बना ले, गन बना ले चुपचाप। 450 एलिमेंट तो ना है भाई मेरे पास, 450 एलिमेंट तो नहीं है, वो बता नहीं गाइस क्या है ये। मे बी ये कुछ तो हो सकता है, आर्मर विरमर प्रोडक्शन हो सकता है, बोल नहीं सकते। ये गन है इसकी। अरे अच्छा, मतलब इसके कंधे पर अलग अलग चीज़ें लगेगी। लाइक अभी भाई यहाँ पे गन लग चुकी है, और उस टाइम पे क्या लगा था? रुक जाओ, गामा कम करने दो। अबे गामा 3.1 हेवी को। ओके सो गाइस ये देखो भाई खतरनाक सा मेघ। इसको 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 चलाने के लिए थोड़ा सा एलिमेंट तो चाहिए होगा। रुक जाओ, थोड़ा सा एलिमेंट इसके अंदर डाल देता हूँ, लगभग भाई 25 डाल देता हूँ। ठीक है, हेवी को। सो गाइस यहाँ पे रुक जाओ, पहले इसके डैमेज में पॉइंट डालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जलवे। ठीक है, आपको दिखाता हूँ जलवे गाइस मेघ क्या हमारे। सो इसके पास है भाई यहाँ पे ये वाला अटैक, उसके बाद लेजर छोड़ने वाला अटैक सी पे। होली शिट ड्यूड, वो ये गन से मारने वाला अटैक तो है गाइस, बट सीन क्या पता है क्या? अबे यार कैसे नीचे बैठा है देखा? हो भाई, और गड़ आगे ताड़ी हुई है, बट इसमें कौन से रॉकेट्स लगते हैं भाई? क्राफ्ट स्किल मेक सेगा कैनन मॉड्यूल, इक्विप अ मेक विद द मॉड्यूल एंड पावरफुल लॉन्ग रेंज सेज कैनन, एक अनुकूल रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी रिक्वेस्ट कैनन शेल ऑन फायर। ऑलराइट वेट अ मिनट, सो कैनन समथिंग कुछ तो है, ये वाला क्या? ना शेल कैनन, ये वाला क्या? कैनन शेल, यस यही चाहिए। ये न्यूक छोड़ेगा भाई, ये वाले न्यूक छोड़ेगा। ठीक है चलो, ये न्यूक बना लूँगा मैं, पहले तो मेरे को इसको बूस्टर देखने दो। ये बूस्टर क्या करता है, ये बूस्टर क्या करेगा इसका? इक्विप मेक विद दिस मॉड्यूल टू आर्म विद अ वाइड क्या रीचिंग स्वाम फायर रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर स्वाम फायर रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? ये वाला रॉकेट क्या गाइस? कुछ रॉकेट्स बनाने पड़ेंगे गाइस, रुक जाओ मेरे को भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा ओपी है, और इसके अंदर कुछ ओपी सी चीज़ें हम डाल सकते हैं। सो मैं चेकआउट करना चाहूँगा कि ये मेघ जो है ना गाइस ये, हाँ पहले तो रॉकेट पॉड 10 बना ले, एलिमेंट चाहिए इधर को रन करने के लिए बेस। क्या भाई बताओ भाई, ये भी एलिमेंट मांग रहा है, एक काम कर ले एक एलिमेंट दे दे भाई, एक एलिमेंट काम चल जाएगा। हेलो 10 बन गए, और शेल, हाँ ये वाले 10 बना ले, एक काम कर ले वाले 20 बना ले। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, अभी भाई एकदम भाई हमारे जो ना गाइस मेक के जलवे देखेंगे हम लोग, और देखते हैं गाइस हमारे मेक का डैमेज जो ना गाइस वो कितना जाता है। ये मेक में जो नई चीज़ें मैंने डाली है ना, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे को पहले तो डाले तो ये वाली चीज़। हाँ पता नहीं ये वर्क कैसे करता है, बट ये भाई ये वर्क कैसे करेगा, क्या दबाना है? मेक रॉकेट लॉन्चर मॉड्यूल इक्विप, ये रॉकेट लॉन्चर मॉड्यूल इक्विप, हाँ भाई रुक जाओ, ये सीधा पाने से वर्क करता है। और क्या हुआ,
4,500 डैमेज। बताओ क्या घटिया डैमेज जा रहा भाई, इससे ज्यादा तो मेक का ही डैमेज जाएगा। मेक का भी डैमेज 23,000 ही जा रहा है खाली। बूम बम गाइज, मेक का डैमेज जो है ना गाइज, वो भी उतना ज्यादा नहीं जा रहा गाइज। इस मेक का डैमेज भी उतना ज्यादा नहीं जा रहा, मुझे लगा तो मेक का डैमेज तगड़ा वाला जाएगा गाइज हमारे पैरे पैरे से, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। लेजर भी 12,000 की जा रही है गाइज। हाँ बाकी पे उड़ सकता है गाइज, ठीक है ये उड़ सकता है गाइज, एकदम उल्टो आसमान की ऊंचाई पे उड़ सकता है, और अब इस ऊंचाई से जो ना गाइज पट्ट से मार भी सकते डायनोस को कुछ। ये ले भाई, ये क्या हुआ? नो लॉजिक ओनली मैजिक वाली चीजें हो रही है भाई। मैप के सीधा बाहर फेंक दिया मेरे को, मतलब मैप के बाहर में जाने वाला तो था। अबे यार उड़ जा उड़ जा उड़ जाओ। अबे तेरा थ्रस्टर वर्क क्यों नहीं कर रहे? उड़ जा, ऊपर चल ऊपर चल भाई, इसके थ्रस्टर वर्क नहीं कर रहे। फ्यूल तो 100% है ब्रो, फ्यूल तो 100% है। वेट अ मिनट, ये डाल यहाँ पे, चेपना डाल। अभी वर्क कर रहा है, उसके ऊपर वर्क नहीं करता, थ्रस्टर वर्क नहीं करते उसके ऊपर भाई। क्या कांड है यार, सीधा मैप के बाहर उड़ा रहे थे, अच्छा वो वॉल आई बीच में, वरना मैं तो डायरेक्टली मैप के बाहर जाके सुबह हो जाता, मेरी पेटी पेटी बन जाती। ये सही है भाई, ये कर लो भाई, ओ गुरु हो जा शुरू। लेकिन गाइज ये मैं काफी ज्यादा कूल लगा मेरे को। हाँ इसके पास कुछ डैमेज तो नहीं है, बट जो इसके भाई कंधे बिंदा पे कैनन बिनन लग रही है ना भाई, देखो ना क्या सॉलिड लग रहा है बाबा। अरे क्या सॉलिड लग रहा है ये कैनन से, फुल बूम बम। हाँ इनके कैनन बिनन का कुछ ज्यादा डैमेज नहीं है, देखने लायक कुछ डैमेज नहीं है, बट फिर भी गाइस ये मेक मेरे को काफी पसंद आया भाई। और इस मेक से हम वैसे भाई कुछ खास कर भी नहीं सकते, किसी को मार भी नहीं सकते, क्योंकि इसका डैमेज जो ना गाइस उतना ज्यादा तगड़ा नहीं जा रहा है। ओके हाँ बस इसका लेजर वाला जो अटैक है गाइस वो देखा जाए, सो वो जा रहा है गाइस 14,000 का, वो भी उतना ज्यादा नहीं है भाई, वो भी उतना ज्यादा नहीं है। ये देखो, देखो ये इसका बेसिक डैमेज भाई, ये लो भाई, ये गाइस इसका डैमेज भाई, उतना ज्यादा जा नहीं रहा, लेकिन ठीक है भाई, इसका लुक मेरे को काफी कूल लगा। और इसके शोल्डर पे जो कैनन्स लग रही है ना अलग अलग वाली, ये और ये वाले, ये कैनन मेरे को काफी ज्यादा कूल लगी। वैसे इस वाले कैनन का एबिलिटी, सो मेरे समझ के बाहर है, समझ के बाहर है इस कैनन का एबिलिटी, बट फिर भी ठीक है चलो। ये किस काम आती है समझ नहीं आ रहा गाइस, ये वाली कैनन किस काम आती है समझ नहीं आ रहा, ठीक है नो प्रॉब्लम हो। बाकी आपको गाइस यहाँ पे ये हमने नया जो मेक बनाया है वो कैसे लगा बताना, लुक वाइज डैमेज मुझे बताएगा। इसका डैमेज बहुत ज्यादा घटिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा घटिया डैमेज, इसका डैमेज तो काउंट ही नहीं करना कि जा रहा है एकदम ओपी वाला भाई, बहुत ज्यादा घटिया डैमेज जा रहा है। इसलिए गाइस इसके लुक के हिसाब से गाइस इसको रेटिंग देना और बताना कैसे लगा ये हमारा नया सा मेग गाइस। और अगर आपको ये हमारा खतरनाक सा जो मेग है अगर वो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं सीधा गाइस आपसे। ओ ये इसी मूव में भाई बैठे रहेगा क्या अगर मैं नीचे भी उतरता हूँ तो? ओ माय गॉड ये सही है, चलो ये सही है। तो भाई लोग चले मिलते सीधा आपसे फिर अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क मॉन्स्टर हंटर के, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में, जाते जाते इस वाइब्रेंट को पिल के जाएंगे गाइस, ठीक है चलो बाय बाय। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.